इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर जीएस के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन बिजली की चमक के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। तीसरा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात शुष्क बर्फ जिसका फॉर्मूला होता है CO2 को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। और तीसरा है, चौथा है, क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। छठा पॉइंट है, सौर सेलों में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। और आठवां पॉइंट है, सबसे प्रबल उपचायक मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं मतलब 27। और दसवां पॉइंट है, सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है तथा पारा का घनत्व इस्पात के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए सोना पानी में डूब जाता है तथा इस्पात तैरता रहता है। ग्यारहवां पॉइंट है, वर्तमान में कंप्यूटर चिप में गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है जबकि पहले सिलिका का प्रयोग किया जाता था। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके बाद है हमारे पास 13वां पॉइंट, इसको देखते हैं हम। खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु सोडियम बेंजोइट का प्रयोग किया जाता है। 14 है, पैकेटों में नमी से बचाव के लिए सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। और 15वां है, चीनी को साफ अथवा रंग विहीन करने के लिए जानवरों की हड्डी के चूर्ण अर्थात जंतु चारकोल का प्रयोग करते हैं। और 16वां है, अंडा मृत्यु जल में डूब जाता है परंतु नमक के घोल में अंडर तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे से अधिक होता है। और 17वां है, ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह गंध आती है। और 18वां है, स्थानीय स्तर पर निर्मित एल्कोहलिक पेय मतलब कच्ची शराब में मैथिल एल्कोहल के कारण मृत्यु हो जाती है। और 19 है, एथिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और 20वां है, शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। और 21वां है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CO2। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। और 22वां है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। 23वां है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। और 24वां है हमारा पॉइंट, हाइड्रोजन परोक्साइड का प्रयोग पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, अब है पॉइंट 25, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 26, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। 27 है, मनुष्य की लार में फाई एलिम एंजाइम पाया जाता है। 28, शहद की मक्खी के मोम में मिरीसिल पामिटेट पाया जाता है। और 29वां है, शहद का प्रमुख घटक ग्लूकोज है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। 31 है, जलयोजित कॉपर सल्फेट Cu(SO4)5H2O का रंग नीला तथा निर्जलीय कॉपर Cu(SO4) का रंग सफ़ेद होता है। 32वां पॉइंट है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और 33 है, कुछ पदार्थ सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद प्रकाश से हटाए जाने पर भी प्रकाश निकालते हैं, इस घटना को स्फुरण कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है, यह गुण कैल्शियम सल्फाइड में पाया जाता है। ये भी याद रखने वाली बात है, कैल्शियम सल्फेट में पाया जाता है, सल्फाइड में। इसके बाद है 34, परम शून्य तापमान पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है अथवा अणुओं की सभी प्रकार की गति शून्य हो जाती है। 35 है, वेल्डिंग में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।